हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की रोहतक रैली को कांग्रेस की रैली होने से इनकार कर दिया, वहीं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की रोहतक में की गई रैली कांग्रेस की रैली है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा चौहान से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा गठित की गई कमेटी का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान, इनसे जानते हैं। देखिए, जो हुड्डा साहब ने कमेटी का गठन किया है, 18 तारीख को रैली की थी, ये कमेटी कांग्रेस को जिस तरीके से बनाई गई है, इसमें 36 लोगों को लिया गया है, तो रणनीति पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूर बनाएंगे। मेरा तो इसमें यही कहना है, हुड्डा साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर रहे हैं, दादा रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने स्वयं आके रोहतक में रैली की थी। कांग्रेस का इतना बड़ा स्तंभ और परिवार है, तो वो जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ही लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। मैडम, जिस तरह रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह का मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, यानी कि जो जो उन्होंने काम करने हैं वो सब कुछ बता दिया स्टेज से, तो क्या ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो माना जाए? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हर वर्ग के लिए काम किया, ऐसी नायाब योजनाएं बनाई थी, आज उनको लोग याद करते हैं उस 10 साल के दौरान में। तो उन्होंने अपना एजेंडा अगला भी बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इतने वरिष्ठ नेता को एक समझ, उनका विजन है, अपना विजन रखना कोई गलत बात नहीं है, एक विजन रखा कि मैं हर वर्ग के लिए क्या क्या देना चाहता हूँ, और मैं इस बात को, ये कांग्रेस को मजबूती की तरफ ले जाएगा, मैं ऐसा समझती हूँ। मैडम, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ कहा गया है कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो है। देखो, मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं एक विंग की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष होने के नाते, एक कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवार है, सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है। जो कांग्रेस की हम ABCD सीख रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की PhD की हुई है, और जो सम्मान पार्टी ने उनको दिया, उनके पिताजी ने भाखड़ा डैम बनवाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके वो सदस्य थे, इतना बड़ा परिवार कांग्रेस के लिए बेहतरीन ही सोच सकता है और कांग्रेस के लिए अच्छा ही करेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैडम, आपने कहा है कि आप कांग्रेस की एक इकाई हैं, तो अब इस रैली को क्या कांग्रेस की माना जाए? अगर कांग्रेस के उसमें AICC के सदस्य थे बहुत सारे लोग, कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे, तो क्यों नहीं कांग्रेस की रैली माना जाए? वह कांग्रेस की रैली है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की रैली थी। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान। इन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो रोहतक में रैली की है, वो कांग्रेस की रैली है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमेटी गठित की है, उससे कांग्रेस मजबूत होगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।